नमस्कार दोस्तों, स्टॉक बिट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम देखेंगे कि ट्रेडिंग करने से पहले ट्रेडिंग में सेटअप जो होता है वो क्या होता है और सेटअप का इम्पोर्टेंस क्या है। तो दो तरह के सेटअप हो सकते हैं। मैं खुद जो इस्तेमाल करता हूँ वो टू टाइप्स ऑफ सेटअप है, एक चार्ट सेटअप है और दूसरा एडवांस एक्सेल डायनेमिक शीट है। ये दो तरीके के सेटअप से के साथ मैं ट्रेडिंग करता हूँ ऑलवेज। तो कैसे वर्क करता है और कैसे हमें ट्रेडिंग में ये हेल्प करता है इसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले चार्ट सेटअप की मैं बात दूसरे वीडियो में अलग से करूँगा, इस वीडियो में सिर्फ बाद में एडवांस एक्सेल शीट की करूँगा। तो ये मेरी एडवांस एक्सेल शीट है, डायनेमिक पूरी है ये मार्केट के साथ लाइव अपडेट होती रहती है और सारा डेटा यहाँ पर लाइव हर एक मिनट पर अपडेट हो जाएगा। आप यहाँ पर स्क्रीन पर अभी देख सकते हैं कि लाइव अपडेट हो रहा है। ये देखिए अभी लाइव अपडेट हो गया है, 16200 पर अभी मार्केट है, 16200 एट द मनी है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई है। तो ये चार्ट पर यहाँ दिखा रहा है, देखिए 16200 की स्ट्राइक है और 16200 पर ही कॉल राइटर और पुट राइटर की आज की कश्मकश चल रही है, यहाँ पर ही अभी टसल चल रहा है। तो ये मेरा लाइव चार्ट है और ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस है, रेजिस्टेंस कहाँ पर है तो 16200 पर ही सबसे सपोर्ट 16000 पर है जो कि ओपन इंटरेस्ट के बेस पर बना है। आज PCR क्या है, वॉल्यूम का और ओपन इंटरेस्ट का दोनों ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ जाता है और चार्ट की मदद से बिल्कुल आसानी से हम लोग यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो आसानी से ट्रेडिंग हो सकती है, हर एक मिनट में चार्ट अपडेट होता रहेगा। यहाँ पर देखिए टाइम बता रहा है, आज 18 तारीख है और ये 21 तारीख की एक्सपायरी का डेटा, ये देखिए अभी अपडेट हो गया। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक टाइम ये चेंज होता रहेगा और हर मिनट पर ये डेटा रिफ्रेश होता रहेगा। तो ये डेटा हमें बहुत हेल्पफुल होता है अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी हम ट्रेड कर रहे हैं तो एक ही शीट पर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का डेटा है और यहाँ पर कौन सी स्ट्राइक पर क्या पोजीशन बनी है, फ्रेश लॉन्ग बने हैं, फ्रेश शॉर्ट हो रहे हैं, शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है यानी कि या शॉर्ट कवरिंग हो रही है, सब यहाँ पर ऑटोमेटिक ये आ जाएगा। डेटा की मदद से एनालिसिस होकर ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ ये सीट स्टडी कीजिए और उसके हिसाब से आप पोजीशन बनाइए तो आपको पता चलेगा कि कौन सी स्ट्राइक पर क्या हो रहा है और उससे बेटर पोजीशन आप बना सकते हैं। फिर हम लोग चार्ट भी में भी जाएंगे लेकिन यहाँ से हमें एक पहला एक इंफॉर्मेशन मिल जाता है कि भाई ये स्ट्राइक पर ये हो रहा है तो इस स्ट्राइक पर हमें पोजीशन बनानी चाहिए, कॉल राइटिंग कहाँ पर हो रही है, पुट राइटिंग कहाँ पर हो रही है। तो ये सब डेटा का एनालिसिस ऑटोमेटिक हो जाता है, उसका इंटरप्रिटेशन मीनिंग भी आ जाता है तो काफ़ी आसानी हमें हो जाती है। चलिए एक सेटअप हो गया। दूसरा इसी एक्सेल में मेरी और एक एडवांस शीट है जिसमें डैशबोर्ड मैंने बनाया है। तो ये मेरा डैशबोर्ड है, अभी डैशबोर्ड में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का मैंने डैशबोर्ड बनाया है। तो यहाँ पर ये प्राइस ऑटोमेटिक सब अपडेट होती रहती है, एडवांस डिक्लाइन रेशियो सब कुछ आ जाता है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको शायद कहीं पर भी नहीं मिलेगी, ये टेबल है बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी में जो भी उसके कंट्रीब्यूटर है, वो 12 बैंक है, वो सब यहाँ पर लाया हूँ और उसका जो वेटेज है उसके हिसाब से अगर आज मान लो कि HDFC बैंक -1.12% डाउन है तो वो निफ्टी बैंक में उसका कंट्रीब्यूशन क्या है। तो देखिए 107 पॉइंट आज का उसका कंट्रीब्यूशन है, यानी ये निफ्टी बैंक को 107 पॉइंट नीचे ले जा रहा है जबकि अदर सारे यहाँ पर देखो ग्रीन बता रहे हैं, इसका मतलब कि ये पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है, ये नेगेटिव। सिर्फ आज एक HDFC बैंक मार्केट को ड्रैग कर रहा है, बाकी सब बैंक बैंक निफ्टी को ऊपर ले जा रहे हैं लेकिन HDFC की बैंक की वजह से ही मार्केट इतना ऊपर नहीं जा रहा है। अगर HDFC बैंक भी पॉजिटिव में आ जाएगा तो आज मार्केट में ज़बरदस्त मोमेंट आ सकती है। तो ये डेटा भी यहाँ पर लाइव अपडेट होता रहता है, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आपको ये डेटा लाइव मिलेगा, तो ये कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। प्लस यहाँ पर मैंने 3 इंटरप्रिटेशन लगाया जिसकी मदद से आपको पता चलेगा आज का मार्केट क्या क्या है। तो ये बुलिश 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 तीनों जगह पर यहाँ पर बुलिश बता रहा है तो इसका मतलब कि मार्केट में आज बुलिश मोमेंटम है। इसी तरह से निफ्टी में भी यहाँ पर लगाया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर आपको किस लेवल पर एंट्री करनी चाहिए वो भी ऑटोमेटिक आ जाता है, बाय और सेल में दोनों में।
लेकिन सबसे ज्यादा मेरा ये फोकस है, क्योंकि ये अगर आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो ये दो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आप उसके कंट्रीब्यूटर जो है वो क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर जितना आप फोकस करोगे, यहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए कि कौन बढ़ रहा है कौन डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर मैं नज़र लगाए रखता हूँ, ये डैशबोर्ड पर ऑटोमेटिक अपडेट होता रहता है, हर 1 मिनट के इंटरवल पर ये अपडेट होता रहता है, और उसकी मदद से मुझे आसानी से पता चल जाता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, और फिर यहाँ पर मैक्सिमम ओआई कहाँ पर है, यानी कि रेजिस्टेंस कहाँ पर है, सपोर्ट कहाँ पर है, वो ऑटोमेटिक सब कैलकुलेट होकर आ जाता है। उसके अलावा मुझे कोई स्टॉक बाय करना है तो स्टॉक में यहाँ पर मैंने सब सेल बाय सब लगा रखा है, ऑटोमेटिक फिल्टर यहाँ पर है सब, तो आपको ऑटोमेटिक बाय और सेल के मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर निफ्टी फिफ्टी में कोई नहीं था बाय का, तो यहाँ पर ये एफ एंड ओ में मिल गया मुझे बाय का, इतने स्टॉक मुझे ओपन और लो है सेम है। आज के टॉप गेनर कौन है, ये सब आज के टॉप गेनर दिखा रहे हैं, ये निफ्टी फिफ्टी में टॉप गेनर है, एफ एंड ओ में टॉप गेनर है, ठीक है, ये आज ओपन इंटरेस्ट में ब्रेकआउट कौन से स्टॉक में हो रहा है, तो ये सब यहाँ पर ऑटोमेटिक फेच होता रहता है। तो ये मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक ही शीट में मुझे काम आ सकता है। ये देखिए लाइव अपडेट यहाँ पर होता ही रहता है पूरे दिन। तो अभी हम लोग चलेंगे एक और शीट पर, ये मेरी एक और इम्पोर्टेंट शीट है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रेटेजी में कैसे यूज़ करता हूँ। जैसे मुझे बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी का बिल्डअप करना है, तो देखिए जैसे 34,853 पर मार्केट चल रहा है, तो मैं 34,800 के दो कॉल बाई कर सेल कर दूंगा, 34,800 यहाँ पर कॉल कर देता हूँ, यहाँ पर कॉल, यहाँ पर कॉल, यहाँ पर कॉल, और उसके एक नीचे की स्ट्राइक पर मैं बाय कर देता हूँ, यानी 34,600, और ये 34,800 है, यानी 34,900, ठीक है, 34,800, यहाँ 34,700 आएगा, यस ये हो गया। देखो ये मेरी बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी लाइव चल रही है मार्केट में, यानी कि यहाँ पर मुझे मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है अगर मार्केट कहीं पर भी चला जाए। देखिए ये सभी स्ट्राइक प्राइस है, तो मार्केट अभी 34,900 से एट द मनी है, उसके नीचे कहीं पर भी चला जाए 91 रुपीज़ सिर्फ लॉस आएगा मेरा, कहीं पर भी कौन सी भी स्ट्राइक, मार्केट में भूचाल क्यों ना जाए लेकिन नीचे भी आपका 91 ही लॉस होगा और ऊपर में भी आप देखिए 91 रुपीज़ ही लॉस होगा। तो ये सारा पूरा जो कैलकुलेशन ऑटोमेटिक होता रहता है और ये लाइव ये भी मार्केट में साथ में अपडेट होता है। ऐसे ही आप निफ्टी में भी ट्रेड कर सकते हो, निफ्टी में भी आप स्ट्रेटेजी बना के कर सकते हो। सपोज मुझे बुल कॉल स्प्रेड बनाना है, देखिए ये 21 तारीख की एक्सपायरी है और मैंने जो कॉल 15,800 के दो बेचे हैं और 16,200 के दो बाय किए हुए, तो देखिए ये हमारी बुल कॉल स्प्रेड जो स्ट्रेटेजी, एक कॉल बाय करना, एक कॉल आउट ऑफ द मनी सेल करना है। तो अगर आप ये स्ट्रेटेजी में देखिए क्या हो रहा है, तो देखिए 16,200 के ऊपर मार्केट कहीं पर भी जाएगा तो ये आपका मैक्सिमम लॉस 8,195 देखिए, और नीचे में मार्केट कहीं पर भी जाता है, अगर आपका व्यू ऐसा है कि मार्केट नीचे जाना चाहिए तो नीचे पर आपका प्रॉफिट होगा, आपको लगता है कि नीचे कहीं पर भी जा सकता है लेकिन कौन सी स्ट्राइक पर जाएगा पता नहीं है। तो आपने सपोज 16,100 के नीचे कहीं पर भी जाए ऐसा लगता है तो ये स्ट्रेटेजी बना सकते हो। आप बिल्कुल उसका उल्टा भी कर सकते हो, जैसे अभी बाई ये दोनों स्ट्राइक बाई किए 16,200 का और दोनों सेल किए, तो अभी आपका ये बिल्कुल पोजीशन उल्टा हो गया है। अभी आपको लगता है कि नीचे में फिक्स लॉस चाहिए और ऊपर आपको ज़्यादा लगता है कि जाएगा मार्केट, तो ऊपर आप एक लॉस नीचे का जो लॉस है वो फिक्स रख सकते हो 16,000 तक, और ऊपर में देखो 8,195 8,195 का आपका प्रॉफिट कोई भी स्ट्राइक पर जाएगा। ये सब आप रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप बना सकते हैं, जैसे 15,800 अभी 16,000 सपोज कर देते हैं, 16,000 की स्ट्राइक पर मैं कर देता हूँ, तो देखिए अभी क्या हो रहा है, 16,000 से लेके हमें सारी स्ट्राइक पर प्रॉफिट फिक्स हो रहा है। अगर मार्केट आपको लगता है कि इस 16,000 के नीचे नहीं जाने वाला तो आपको ये स्ट्रेटेजी यूज़ कर सकते हो।
अगर आपको ये लगता है और थोड़ा लॉस यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो आप और नज़दीक की स्ट्राइक लो, थोड़ा 15,900, 15,900। देखिए अभी ये और आ गया नज़दीक, लेकिन आपका प्रॉफिट भी थोड़ा कम हो गया। तो ये हिसाब से आप स्ट्रेटेजी बना सकते हो, आप कोई भी स्ट्रेटेजी यहाँ पर बना सकते हो। आयरन कॉन्डोर सपोज बना सकते हो, आपको लगता है 15,500 से 16,000 रहेगा, 15,500 यहाँ स्ट्राइक सिलेक्ट कीजिए, ये सेल कीजिए दोनों, 15,500 से 16,000, यानी 500 का स्प्रेड किया हमने, तो यहाँ 15,000 पर रखिए बाई, यहाँ 16,500 पे बाई रखिए, ये हो गया आपका बाय बाय, ये बाय आएगा। हाँ तो 15,500, 16,000, 16,500 और ये 15,000 एक कॉल है, बाय सेल सेल। ठीक है, तो ये हमारा निफ्टी का है ये सेटअप। और यहाँ पर देखिए हमें 15,250 से लेकर 16,250 तक, अगर आपको इस रेंज में मार्केट लगता है कि रहेगा, तो ये आप स्ट्राइक पसंद कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी स्ट्रेटेजी आप बना सकते हो। तो ये एक जस्ट एक एग्जांपल है, अगर आपको ऐसा ही कुछ करना है, जैसे कौन सी स्ट्राइक पर बेस्ड रहेगी। और इसके साथ मैंने लाइव भी यहाँ पर बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी बनाई है, वो भी मार्केट के साथ चलती रहती है। ये रही बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी, जो मार्केट के साथ ही स्ट्रेटेजी बनती रहती है, नो लॉस स्ट्रेटेजी भी इसके साथ बनती रहती है। तो ये सब आपको डिटेल में जानना हो तो एक हमारा कोर्स है, जो कि 10 डेज का एक मास्टर कोर्स है, वो मैं सिखाता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड है तो वो आपको ज्वाइन करना चाहिए, काफ़ी डिटेल उसमें सिखाता हूँ मैं आपको। ये कोर्स 10 डेज का है, उसमें सारे फंक्शन है। जब देखिए ये पूरा कोर्स का मटेरियल है, ये फंडामेंटल एनालिसिस उसमें आ जाएगा, पोर्टफोलियो मेकिंग आ जाएगा, कंपनी एनालिसिस कैसे करना है वो आ जाता है, फिर टेक्निकल एनालिसिस आएगा, उसमें कैंडल स्टिक क्या है, कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न क्या है, ट्रेड कैसे हो सकता है, हाउ वन कैन ट्रेड एंड हाउ वन कैन नो ब्रेकआउट मूविंग एवरेजेस, ऑटोमेटिक स्क्रीनर के साथ स्टॉक सिलेक्शन, ऑनलाइन ट्रेडिंग कैसे होती है, साइकोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू फ्यूचर एंड ऑप्शन, जहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी आएगा, कॉल और पुट आएगा, ऑप्शन चेन एनालिसिस आएगा, ऑप्शन कैलकुलेटर आएगा, वोलेटिलिटी और सारी ऑप्शन स्ट्रेटेजी इसमें आएगी, कि बटरफ्लाई है, बेयर पुट स्प्रेड है, बुल कॉल स्प्रेड है, आयरन कॉन्डर्स है, ये सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया ये कोर्स है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। मेरा नंबर है 9316192705, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं।